some of the line connector. Connectors are there. ये सब चीजें यूज करके आप अपनी इंग्लिश बेटर बना सकते हो. और अभी आपने क्या करना है कि सबसे पहले इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि सब्जेक्ट को हम किस किस वे से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं इनको स्टार्ट करने के. सब्जेक्ट को आप जैसे सब्जेक्ट को पर्सन से, थिंग से, आईएनजी के फॉर्म से भी स्टार्ट किया जाता है. तो हम अभी तो सिर्फ वर्ब के बारे में ही बात कर रहे हैं. जैसे आपको पता है वर्ब मतलब एक्शन, वो मतलब एक्शन. ये दोनों ही चीजें आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग में काम करेगी, दोनों ही चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ. और इसमें ये था, कल मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है सेल्फ, क्या होता है वो सेल्फ जो खुद काम करता है, एक होता है बाय अदर्स. तो आपको मैंने कल यहाँ पे बता दिया था कि जो आप रेगुलर एक्शन में करते हो वहां पे क्या क्या लगता है. कल मैंने आपको डेली बेसिस वाला बता दिया था, डेली और रेगुलर. और एक ऐसा भी बताया था जिसमें आपने कोई भी चीज परफेक्ट या डन हो जाती है, वो मैंने आपको बताया था. क्या क्या बताया था, एक तो किसी के साथ सिंगल चीज है तो क्या लगाते हैं, सिंगल है प्लूरल है तो क्या लगाते हैं, मतलब प्लूरल तो वन प्लस, इसमें सिंगल है तो क्या लगाते हैं और वन प्लस है प्लूरल है तो क्या लगाते हैं. तो यहाँ पे कोई सभी एक्शन चलते रहते होते हैं. डेली वाला एक्शन वो मैंने कल आपको बता दिया था, बायरस में एज ईडी लगता है, ज्यादा है तो आर ईडी लगता है, मतलब थर्ड फॉर्मेट होती है, मैंने बता दिया. कल ये डेली बेसिस पे मैंने ये बताया था कि आपको सिर्फ कोई बोलना है, सिंगल है तो एस लगेगा, प्लूरल है तो कोई भी एस नहीं लगेगा. जैसे कोई आदमी खुद क्रिकेट खेलता है, मीन्स सिंगल और प्लूरल में ये हुआ कि अपने एक्सेप्ट आई, आई को छोड़कर सिंगल और प्लूरल का. एक दिन आपको बताया था कि सिंगल उसी को मानना जो थर्ड पर्सन हो, उसको हमने सिंगल मानकर एस या है जो है का यहाँ पे डिफरेंस है वो बताया गया है कि उनके साथ आपको लगाना, जब सिंगल थर्ड पर्सन हो आई नॉट यू तो आप थर्ड पर्सन हो उनके साथ एस लगाओगे जहाँ पे भी. और कल मैंने आपको ये है जो है की फैमिली भी बताया हुआ है, तो सिंगल अगर थर्ड है तो वहाँ पे हैव नहीं आएगा, क्या आएगा है जाएगा, चाहे कहीं पे भी इंग्लिश नहीं हो. तो ठीक है, इसके बारे में बता दिया था. अब हम आज बात कर रहे हैं कोई ऐसा काम जो इस वक्त क्या हो, एक्टिव हो. जब भी हमारे माइंड में एक्टिव वाली फॉर्म आती है जब भी, तो हमारे माइंड में एक ही विचार आता है आईएनजी वाला, कौन सा था आईएनजी वाला. परफेक्ट वाली आती तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म मतलब ईडी और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ईडी, परफेक्ट वाले में ही आता है. एक्शन वाले वही आता है हमारे माइंड में एस और ईएस, याद है आपको अच्छी तरह से पता है एस और ईएस आता है. जब बायरस होते हैं तो वही एस और ईएस H plus ED में चेंज होता है या R plus ED में चेंज होता है. और परफेक्ट जो होता है, जो हमने काम कोई कल बताया था कि मैंने ये इस साल मैंने ये काम कर लिया है या मैंने ये काम ऐसा मतलब मैंने पेंट कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, वो खुद है तो हैज या हैव लग के थर्ड फॉर्म आ जाएगी. लेकिन बाय अदर्स है तो हैज और हैव उसके बाद थर्ड फॉर्म के बीच में जाता है, हैज और हैव के बीच, सॉरी हैज और हैव, हैज और हैव दोनों में से कोई, और थर्ड फॉर्म उसके बीच में क्या होता है बीन आता है, जो वो कहता है कि दूसरे के द्वारा किया गया है. क्लियर है, ये बताया था मैंने. अब आज हम बात करेंगे एक्टिव, एक्टिव मतलब आईएनजी के बारे में. इसमें खुद ये कर रहा होता है तो आप इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. और ये मैंने बताया था कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब कुछ मैंने कल बता के गया था, वो उसके अंदर वैसे चार्ट के अंदर ये सब कुछ प्रिंटेड है. ज्यादा है तो आर प्लस आईएनजी, ये चीज है. बाय अदर सेल्फ इसमें ऐड हो जाएगा इज बीइंग, ऐड हो जाएगा क्या आ जाएगा ऐड बीइंग, और इसमें लास्ट में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें वी थर्ड आ जाएगा और इसमें आर बीइंग और वी थर्ड आ जाएगा. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसका मतलब होता है ऐसा कुछ कर रहे हैं और इसका मतलब ऐसा कुछ किया जा रहा है. जैसे जैसे एक तो सीधा है कि इंटरनेट हमारी लाइफ को चेंज कर रहा है, जैसे लगता है खुद कर रहा है, इंटरनेट इज चेंजिंग आवर लाइफ. और अगर ये कहें कि इंटरनेट की सहायता से हमारी लाइफ को चेंज किया जा रहा है तो फिर क्या आएगा, आवर लाइफ इज बीइंग चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है, समझ में आ रही बात. ये चीज आपको ऐड करनी है, अपनी इंग्लिश को बेटर बनाना है. और जैसे कल मैं ये कहा था कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ या लोग इंग्लिश बोलते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश. ओके, इससे पहले वाला दिल्ली वाला पीपल स्पीक इंग्लिश, और दूसरे में ये आता है कि इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन. तीसरा, मैंने इंग्लिश का टॉपिक बोल दिया है, आई हैव स्पोकन दी इंग्लिश टॉपिक, और इंग्लिश टॉपिक बोल दिया गया है तो इंग्लिश टॉपिक सिंगल है तो हैव या हैज, हैज बीन स्पोकन. समझ आ रहा है.
has been spoken. अब देखो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या कोई मेरा दोस्त इंग्लिश बोल रहा है, माई फ्रेंड इज स्पीकिंग इंग्लिश है, ठीक है। और अगर ये बोलो कि पूरी दुनिया इंग्लिश बोल रही है, द होल वर्ल्ड या मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर ये बोले कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इंग्लिश बोली जा रही है, तो क्या बोली जा रही है? इंग्लिश। तो पहले इंग्लिश के बारे में बात की, तो इंग्लिश इज being spoken in most of the part of the world, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में भाग से, in most domains of the world। तो आप इस तरीके से ये चीज को बढ़िया तरीके से आगे कर सकते हो। I hope you have understood, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब देखो ability या पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या किसी चीज की पॉसिबिलिटी की बात कर लेता हूँ, इसमें आपको यहाँ पे जो भी आएगा दैट्स ओके। अब वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कैन लगा के उसके बाद वो की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बताया मैं उस चार्ट के अंदर है कि कैन के साथ ना तो आई एन सी आएगा ना ईडी आएगा, अगर ईडी लगाना तो बी लगाना पड़ेगा, वो बताया हुआ है, जो कि बाय अदर्स हो जाता है। तो कैन, और इसको बाय अदर्स बनाने के लिए कैन बी और वन की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा कुछ कर सकते हैं और ऐसा सकता है या सकते हैं जो भी, तो इसमें ऐसे किया जा सकता है, तो ये चीज आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है कोई भी चीज की एडवाइस आपको देनी है, एडवाइस, तो इसमें आप यूज करते हो शुड, ये भी बताया उसके अंदर कि फर्स्ट फॉर्म होती है शुड, मींस ऐसा कुछ करना चाहिए, और अगर यही ये खुद है, ये सॉरी मैं दिखना भूल गया, फॉरगेट, ये सेल्फ है, ये बाय अदर्स। अब यहाँ पे कैटेगरी से दो दो बनेंगे, यहाँ पे तो दो और दो बन रही थी, अब यहाँ पे आगे क्योंकि प्रेजेंट वाले में ये थोड़ा सा मैसअप होता है, होगा होता है, बाकी सेल्फ में बाय अदर्स में ये नहीं होता, और शुड शुड भी सेल्फ में आ रहा है, अगर आपको ऐसे ऐसे लगे, यहाँ पे ऐसे नहीं आपको सोचना कि यहाँ पे सिर्फ इंसान ही होना चाहिए और यहाँ पे इंसान होगा सर और दूसरा थिंग्स को नहीं, थिंग्स तो एक बाय अदर्स होती है, नहीं, यहाँ पे इंसान भी कई बार बाय अदर्स का रोल प्ले करता है और थिंग्स भी कई बार सेल्फ का रोल प्ले करती है, जैसे प्ले करते हैं ना, पैसा चलता है तो पैसा ऐसे लग रहा है जैसे खुद चलता है, तो मनी रन्स, समझ गए, तो पैसा चलाया जाता है, मनी इज यूज्ड, तो दोनों में मिलेगा। तो अभी देखो मैं बताता हूँ, आई टेल, मुझे बताया गया है, बताया गया है नहीं, मुझे बताया जाता है, I am told, या उसे बताया गया, he is told, और बताया यानी बताया जाता है, उसे बताया जाता है, अगर मुझे बताया गया है, मुझे बताया गया है, मतलब मैंने नहीं बताया, मुझे बताया गया है, I have been told, समझ गए, ओके, तो इस तरीके से I hope मुझे पढ़ाया गया है, I have been taught by many teachers, ये लाइन ऐड किया है, इस तरह से प्लीज, वो कल दो टॉपिक हो चुके हैं। ओके, आज अपने ये दो टॉपिक आपके लिए बिल्कुल सिंपल रहेगा, शुड है तो बाय अदर्स में इसी शुड के साथ क्या लग जाएगा, बी और प्लस बी थर्ड, मतलब ऐसा कुछ किया जाना चाहिए, तो देखो नए रूल बनाए जाने चाहिए, नए रूल बनाए जाने चाहिए, नए रूल मतलब न्यू रूल्स शुड बी मेड या लागू किए जाने चाहिए, इम्प्लीमेंटेड, समझ गए, तो कम इंटू फोर्स भी था, कम इंटू इफेक्ट भी था, वो भी आपको वर्ड्स बताए हुए हैं, और नए रूल बनाए जा सकते हैं, न्यू रूल्स या रेगुलेशन से जो भी आप कहो, कैन बी इम्प्लीमेंटेड को रोकने के लिए, जैसे क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए को क्या बोलते हैं, कुछ इन ऑर्डर टू, तो इन ऑर्डर टू कर्व द क्राइम, सी यू आर बी भी होता है और के ई आर बी भी होता है और कंट्रोल भी होता है, अंडरस्टूड, तो आप इस तरह से सोचने के लिए, आई होप समझ में आ रही है चीज, थोड़ा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो बेटा, यू कैन आस्क मी, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, ये तो हमने आज एक ही किया है कि आई एन जी वाला एक्टिव वाला फॉर्म, बस ये तीसरा था, पहला हमने डेली बेसिस वाला कर लिया था, उसके बाद ऐसी चीज जो काम फिनिश हो गया है या किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, और नेक्स्ट में आई एन जी आज हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपको ये बीइंग लगता होता है हमेशा, जब आपको लगे कि दूसरे द्वारा, कैन बी, विल बी, शुड बी, और ऐसा कुछ करेगा, करेगा तो क्या बोलेंगे, विल आएगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट नया कानून बनाएगी, गवर्नमेंट विल मेक या इम्प्लीमेंट अ न्यू रूल, विल के साथ आपने मेड क्यों नहीं लगाते, या क्यों मैंने ऐसा किया है, क्योंकि वो आपको मैंने उस चार्ट के अंदर बताया हुआ, जो चार्ट बनाया है फैमिली चार्ट, उसके अंदर क्लियर दिया है कि किस चीज के साथ क्या चीज लगती है और क्या चीज नहीं लगती, तो विल देखो, विल का मतलब अगर सेल्फ में होगा तो ये एडवाइस हो गया, तो अगर इसको स्ट्रॉन्ग एडवाइस में कौन सा वर्ड होता है, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ वर्ड होता है
इंस्टेड ऑफ। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस में शुड यूज हम कभी नहीं करते, शुड की जगह पे क्या मस्ट, बस ध्यान है शुड है वहां पर मस्ट आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट जो अभी अभी मैंने बोला था क्या था, अभी भी जस्ट आई हैव स्पोकन क्या वर्ड था कि विल रिक्वायर, यस ऐसा गवर्नमेंट नया कानून बनाएगी, द गवर्नमेंट विल मेक अ न्यू रूल, और नया कानून बनाया जाएगा, द न्यू रूल विल बी मेड या इम्प्लीमेंटेड, लागू किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो आई होप ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आई होप यू आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग या कन्फ्रंटिंग understanding इस तरह की language आपको use करना है, you're not facing, you're not confronting any kind of problems, किसके संबंध में को English में क्या कहते हैं, उसके संबंध में with regard to, regarding, respecting, with respect to, तो ये चीजें आपको, ये सभी other words हैं, तो आप सीधा नहीं कह सकते सर मुझे कोई problem नहीं आ रही है, तो आपको sir I'm not facing any problem, आप उसमें ये भी बताओ sir I'm not facing any problems with regard to this topic, तो आपका question sorry आपकी जो answer होगा वो ज़्यादा बढ़िया impressive लगेगा, इसमें आप इस तरह की word add करते हो। तो I hope ये दीजा sufficient for today, grammar is sufficient for today. नेक्स्ट डे आई विल विद यू विद न्यू लाइक हम कहीं पे किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो ये टॉपिक तो कैन वगैरह तो लगाने ही लगाने हैं, जैसे कि एडवाइस में शुड भी आता है, कैन भी कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे अपने किसी को कहते हैं यू कैन गो, गवर्नमेंट कैन ऐसा कुछ कर सकती है, हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और नीड और नीड्स ये भी वर्ड लगाएंगे हम, जैसे गवर्नमेंट को कानून बनाने की जरूरत है तो गवर्नमेंट नीड्स टू, तो या ऐसा कानून बनाए जाने की वो भी मैं बता ही देता हूँ। कभी आप कहते हैं किसी चीज की अर्जेंसी है, अर्जेंसी इट मीन्स कोई भी चीज की अर्जेंसी है, मतलब जरूरी है, क्या चीज है, कोई भी चीज जरूरी है, तो सबसे पहले जब आप किसी सेल्फ में ऐड करते हो तो सिंगल या प्लूरल देख लेना, नीड या नीड्स टू जो भी आप लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जब बाय अदर्स हो जाएगा, बाय अदर्स तो इसको आप बोलोगे इज या आर नीडेड to be or is needed to be, okay, these rules are needed to be built, okay, these are laga ke needed to be built, तो आपको ये चीज ऐड करनी है प्लीज, तो आप जब किसी चीज की नीड आवश्यकता हो, आई होप दैट्स गुड फॉर यू, आपने अच्छी एक क्विक 20 मिनट्स के अंदर ही सीखा है ग्रामर का ये पार्ट, you can write it, okay?